आइए आइए, महारानी के कदमों के निशान देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस यहाँ पे अरे ये कहाँ है? खुदा बस खता ना करे, यही तो थे, कहाँ गायब हो गए? लच्छू भाई, पैरों के निशान जमीन पर थे ना, पानी पर तो नहीं जो एक क्षण में गायब हो गए। महादेव जानते हैं, अच्छा हुआ जो हमने इनको बात करते हुए सुन लिया और आके यहाँ से सारे निशान मिटा दिए। ऐसा नहीं किया होता तो आज महारानी साहब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता। आप हमें यहाँ पैरों के निशान दिखाने लाए थे या बेवकूफ बनाने? या अल्लाह, हम तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और वैसे भी अब तो हमारे बीच सुलह हो गई है ना? रहने दीजिए रॉस साहेब, अब अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई वापस आ चुकी है और महाराज के साथ है। वो थी कहाँ? वापस कैसे आई? दुख हो रहा है कि महाराज का मजाक उड़ाने का सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल गया। नो, इट्स नॉट गंगाधर। आई वांटेड टू नो व्हाट रानी लक्ष्मीबाई इज अप टू। वो तो हम भी नहीं जानते रॉस साहेब, वो कैसे गायब हो जाती है और कहां से फिर वापस भी आ जाती है, बिल्कुल काले साही की तरह। वो पूजा फिर से करवा लीजिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या मतलब? महारानी का कहने का यह अर्थ है कि रेल परिवहन जैसे शुभ कार्यों को सफल करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है, वरना कोई अनहोनी ना घट जाए, जैसे कोई काला साया। यस, उस दिन वो मोरपंत भी काला साया की बात कर रहे थे। What is this काला साया? इससे कैसे पहचानते हैं? पहचान? जिसकी कोई पहचान नहीं होती वही तो होता है काला साया, जो वार तो करता है पर दिखाई नहीं देता, एकदम रहस्यमय। हाँ मगर होता बड़ा खतरनाक है रॉस साहेब। I got it. काला साया means भारत। कहीं कोई काला साई ना पीछे पड़ जाए, means कहीं भारत ना पीछे पड़ जाए। भारत, the unknown, mysterious and untraceable। चलते हैं। Strange coincidence. कुछ देर पहले क्वीन महल में नहीं थी और अभी क्वीन के फादर महल के बाहर से आ रहे हैं। वैसे आप आधी रात को काले साए की तरह कहां से आ रहे हैं? मैं तो कुछ रिश्तेदारों से मिलने गया था। जब तक रेल रोड का इनॉग्रेशन ना हो जाए तब तक किस पर खड़ा नजर रखना होगा। अच्छा हुआ अब यहां मिल गए। एक्चुअली मैं आपको भी इनवाइट करना चाहता हूँ फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द रेल रोड। प्लीज आप महाराज और महारानी के साथ इस ग्रैंड इवेंट को देखने जरूर आएगा।
क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी रॉस साहब। इसी उद्घाटन को मिट्टी में मिलाने तो कहो यहाँ, आपके इस नीच सपने को कांच के टुकड़े की तरह चूर चूर करने रॉस साहब। अनुरंग, तुम मालिश कर रहे हो? हाँ महाराज। अंगमर तक राजाराम किधर है? महाराज आज राजाराम काम पर आया ही नहीं, सुबह जलावन बिनने गया था जंगल, उसके बाद उसका पता ही नहीं है। तो गरम पानी और लियो। जी महाराज। महादेव जानते सुबह से हमारे गांव में बहुत सोना धोना हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि गोवर्धन काका का बेटा जंगल गया था भैंस चराने, लेकिन वापस लौटा ही नहीं, तो उसका गमछा मिला है जंगल में। और ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि हमारे गांव से लोग तो गए लेकिन वापस नहीं लौटे। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, और हमने तो ये भी सुना है कि दूसरे गाँव में भी कुछ दिनों से ऐसी ही घटनाएं घट रही है। महादेव जानते हमें तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है महारानी साहब। गर्म पानी लाने में समय लग सकता है, तब तक हम ये उपटन लगवा लेते हैं। कौन है वहां? इधर आकर जरा हमारी पीठ पर उपटन लगा दो। महादेव शांति, हम दोनों तो महाराज के हमाम में घुस गए और हमें तो आने की अनुमति भी नहीं है। हम यहाँ से जाते हैं। रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आपको हमारे साथ नहीं महाराज के पास जाना है, सुना नहीं वो बुला रहे हैं। इतना विलंब क्यों? शीघ्र आओ। हमें? हाँ, क्योंकि हम आज की धर्मपत्नी है ना, इसलिए। पति पत्नी का रिश्ता इसी तरह दूध और पानी के समान होना चाहिए, जो लाख कोशिशों के बाद भी अलग ना हो सके। चाहिए आशी, पर तुम यही रहना, कहीं जाना नहीं। हमारी पीठ पर लगा दो। अरे तुम्हारे हाथ इतने नरम क्यों हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी स्त्री के हाथ हो। रुक क्यों गए? और लगाओ।
ये क्या चल रहा है? अल्लाह, आज तो हमारे देवर को बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा बूटन लगाकर। लच्छू भाई, कब सुधरेंगी आप? ये इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है क्या? या अल्लाह, हमने क्या गलत कह दिया जानकी भाई साहेब? पति पत्नी है, दिल तो मिलेंगे ही ना इनके, इसमें अपना दिल क्यों जलाना? खुदा बस खता ना कराए जानकी भाई साहेब, आप क्या समझेंगे पति पत्नी का प्यार? पेट महाराज की साफ हो रही है और ये कंबख्त दर्द में हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तो ये केवल सिंहासन पर बैठी है, कल हमारे सर पर चढ़कर ना बैठ जाए। शीघ्र इस रानी लक्ष्मीबाई को उसकी सही जगह दिखानी होगी। तो नेक काम में देरी कैसे? क्यों ना कल ही धमाका करते? अल्लाह, हमारा मतलब है कि कल एकादशी पूजा के मौके पर हम महाराज गंगाधर राव को फिर से शोभचार अनुष्ठान और संध्या वंदन करने कहेंगे और पूजा की सारी तैयारी महारानी लक्ष्मीबाई करेंगे। अल्लाह, ये 16 तरह की पूजा कितनी मुश्किल है। लच्छू भाई, ये निवालकर खानदान की पूजा है, पता भी है इसकी तैयारी कैसे की जाती है? आसान नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने तो इस पूजा के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। जानकी भाई साहेब, इसीलिए तो पूजा का सारा भार महारानी लक्ष्मीबाई के सर पे दे रहे हैं हम। खुदा बस खता ना कराए, हमें इस महल में रहने के लिए ना चाहते हुए भी इन दोनों का साथ देना होगा, वरना ये दोनों कहीं हमें ही महल से ना फिकवा दे। क्या बात है, अगर आपको हमारे पूजा अनुष्ठान के बारे में इतनी जानकारी कैसे लच्छो भाई? खुदा बस खता ना कराए रानी जानकी भाई साहेब, आप भूल रही है कि हमारा शौहर भी निवलकर ही था। खैर, ये बताइए कि हमारी तरकीब कैसी लगी आपको? योजना तो आपकी बहुत अच्छी है रानी लच्छो भाई, और यकीन मानिए पहली बार हमें आपकी बात पसंद आई। अब हमें शीघ्र जाकर महाराज को अनुष्ठान के लिए मनाना चाहिए। चलिए। अब थोड़ा उपटन हमारे चेहरे पर भी लगा दो। अब क्या करें, कहीं महाराज ने हमको देख लिया तो? शीघ्र करो।
हमारे लिए अंगोछा लेकर आओ। सब आप बताया क्यों नहीं? ये सब छुप कर देखते हुए? महारानी साहब, आप ही ने तो कहा था कि काशी कहीं जाना मत, और हम तो केवल आपके आज्ञा का पालन कर रहे थे। और अगर कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ जाती तो? वैसे महादेव जानते हैं, उपटन बड़ा अच्छा लगाती हैं आप, तभी तो महाराज आपके कोमल हाथों की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। अच्छा, हम अभी बताते कि हमारे हाथ कितने कोमल हैं। अरे नहीं, ये सभी लोग एक ही प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। बताइए आप सबकी क्या समस्या है? महाराज, मेरे पति विवाह से ही गायब है, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है, आप कुछ कीजिए। सरकार, हमारा बिटुआ भी जंगल की ओर गया था पर अभी तक वापस ही नहीं आया। गोवर्धन काका का बेटा जंगल गया था भैंस चराने, लेकिन वापस लौटा ही नहीं। मेरे गांव से भी लोग लापता हो रहे रानी साहेब, लगता है किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया झांसी पर। राजगुरु जी, जितने भी लोग लापता हुए हैं उनकी सूची बनाकर शीघ्र कैप्टन रॉस को भेजी जाए, और उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाए कि इस कार्य को प्राथमिकता देकर अति शीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाए। जी महाराज। ऐसे कैसे हमारे लोग गायब हो सकते हैं? जरूर इसमें कोई साजिश है, हम इसके तह तक जाकर रहेंगे।